जय माता दी दोस्तों, आपका दोस्त मोहित राघव फिर आपके साथ जुड़ गया है लेकर एक और वीडियो। बात करेंगे आयरलैंड वर्सेस न्यूजीलैंड फर्स्ट टी20 की। तीन वनडे मैचेस की सीरीज हुई आयरलैंड और न्यूजीलैंड के बीच, और तीनों मैचेस में हर मैच एक ऐसे पड़ाव पे पहुंचा जब लगा कि ये मैच आयरलैंड जीत सकता है, लेकिन कुछ किस्मत और कुछ प्रेशर की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन आयरलैंड को सीखने को मिला, एक अच्छी सीरीज आयरलैंड ने न्यूजीलैंड से खेली। अब बारी टी20 की है, आयरलैंड की टीम कमोबेश वैसी ही है, लेकिन बदलाव न्यूजीलैंड की तरफ है। टॉम लैथम, हेनरी निकोलस, विलियम अब इस टीम का हिस्सा नहीं है, मैट हेनरी भी इस टीम का हिस्सा नहीं है। नई टीम नए फ्लेवर में आई है, क्या प्लेइंग 11 होगी, क्या प्लेइंग 11 होगी आयरलैंड की, उस पर बात होगी। स्मॉल लीग, मिनी ग्रैंड लीग, ग्रैंड लीग टीम बनाएंगे और भी होंगी बहुत सारी बातें वीडियो में। आपको सबसे पहले क्या करना, आपको सबसे पहले मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसका लिंक इस वीडियो के सबसे ऊपर वाले कमेंट में मैंने दे रखा है। तो अभी क्लिक करें और क्लिक करके सीधा जुड़ जाए टेलीग्राम चैनल से। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे किसी वजह से तब क्या करें, तब ये करें कि अपने फोन में खोलें टेलीग्राम ऐप, वहां जाके क्रिकेटोलॉजी सर्च करें। जब आप क्रिकेटोलॉजी सर्च करेंगे आपको बहुत सारे चैनल दिखेंगे, उनमें से आपको किसी भी चैनल पे नहीं जाना, सारे चैनल फेक हैं। ओरिजिनल चैनल की पहचान क्या है, तो आपकी आपको जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ये वाला स्क्रीनशॉट, इसी को देखें और इसी से क्रॉस मैच करें। यूजर नेम @MohitCricketologist, तो वहीं पे मेंबर लगभग 12,000 हैं टेलीग्राम चैनल पर। ये दो डिटेल क्रॉस मैच कर लें और उसके बाद ज्वाइन करें। चलिए टेलीग्राम की बात होगी, बात करते हैं अब इस मैच की। जैसा मैंने बताया कि वनडे सीरीज 3-0 न्यूजीलैंड के हक में, लेकिन टक्कर बराबरी की थी। इधर आगे टी20 सीरीज की बारी, और यहां भी टक्कर बराबरी की होगी क्योंकि आयरलैंड जितना छोटा फॉर्मेट उतनी बढ़िया टीम है, और न्यूजीलैंड अपने ऑप्शंस को टी20 वर्ल्ड कप से पहले एक्सप्लोर कर रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे ऑलराउंडर्स इन्होंने डाले हुए हैं। तो ये प्रोबेबल 11 हो सकती है न्यूजीलैंड की इस मैच में। मार्टिन गुप्टिल और फिन एलन की ओपनिंग जोड़ी बरकरार रहेगी। डैन क्लीवर जो है वो विकेटकीपिंग की ड्यूटीज निभाएंगे। चार नंबर खेलेंगे मार्क चैपमैन, स्पिन बॉलिंग भी कर लेते हैं बैटिंग के साथ। पांच नंबर डैरिल मिचेल, इनको हमने आईपीएल में भी देखा और अभी इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छी फॉर्म में थे, मीडियम पेस ऑलराउंडर है। माइकल ब्रैसनल तो मैन ऑफ द सीरीज रहे हैं अभी वनडे सीरीज के। ग्लेन फिलिप्स आजकल गेंदबाजी करने पर लगे हैं, नेचुरली विकेट कीपर थे आपको पता है। जिम्मी नीसम, अब इस टीम में क्या है, इतने सारे ऑलराउंडर है कि जिम्मी नीसम का बैटिंग ऑर्डर 8, जो उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से काफी नीचे है। फिर मिचेल सेंटनर 9 नंबर, 10 नंबर लॉकी फर्ग्यूसन और 11 नंबर ब्लेयर टिकनर, ऐसी कुछ प्लेइंग 11 होने वाली है न्यूजीलैंड की। और इसमें अगर आप देखें तो कप्टिल, एलन और क्लीवर के अलावा नीचे जितने ऑप्शन है सारे बॉलिंग कर लेते हैं, मतलब 8 बॉलिंग ऑप्शन लेके ये टीम जा रही है। और जिस टीम में मिचेल सेंटनर नंबर 9 बैटिंग कर रहे हैं, समझिए कि उस टीम की बल्लेबाजी की गहराई क्या है। इधर बात करें तो इधर भी कमोबेश सिचुएशन वैसी ही है। बल्वरीन और ट्रैक्टर को छोड़ के बाकी जो बॉलर जितने प्लेयर हैं वो सभी गेंदबाजी कर लेते हैं, मतलब इधर भी 8 बॉलिंग ऑप्शन है। और बैटिंग की बात करें तो एंडी मैकब्रायन जो वनडे में 3 नंबर बैटिंग कर रहे थे वहां तक बैटिंग है, यहां भी 8 नंबर तक बैटिंग है। मैच का सूरत हाल क्या होगा, एक हाई स्कोरिंग गेम होने की संभावना है यहां पर, बाकी लगभग 180 के आसपास का स्कोर बना सकते हैं जो टीम खेलेगी। चेज होने की प्रोबेबिलिटी रहेगी, चेज हो सकता है। स्पिनर्स को उतना मदद नहीं मिलेगी, पेसर्स के लिए थोड़ा हेल्पफुल रहेंगे कंडीशंस। चलते हैं हम स्मॉल लीग टीम की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको स्मॉल लीग खेलनी कहां है। आपको स्मॉल लीग खेलनी है राइडर्स 11 ऐप पर। राइडर्स 11 अभी एक उभरता हुआ ऐप है, नया ऐप है, यूजर कॉम्पिटिशन बिल्कुल ना के बराबर है, क्रेडिट वैल्यू प्लेयर्स की बहुत कम है, कॉन्टेस्ट एंट्री बहुत कम है, प्राइज मनी उसके अगेंस्ट ज्यादा है, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो अदर एप्स में नहीं है। और चूंकि अभी यूजर कॉम्पिटिशन बहुत कम है तो विनिंग प्रोबेबिलिटी आपकी बहुत ज्यादा है। जहां तक लिंक की बात है तो डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में और टेलीग्राम पे मिल जाएगा, क्लिक करके अभी के अभी जुड़ जाइए राइडर्स 11 पर और मेरे साथ मेरी तरह आप भी जीतिए ढेर सारा पैसा। अब बात करते हैं स्मॉल लीग टीम की। स्मॉल लीग टीम में सबसे पहले विकेट कीपर, देखिए चॉइस आपके पास क्या है, आपके पास क्लीवर है और आपके पास है लॉरेन टकर। अब टकर खेल रहे हैं नंबर 5 या 6 और क्लीवर खेलेंगे नंबर 3। और क्लीवर न्यूजीलैंड डोमेस्टिक में क्या करते हैं, ओपनिंग भी करते हैं, मतलब गेम कवर क्लीवर का एक्सीलेंट हो गया, इसलिए विकेट कीपर मेरे स्मॉल लीग में रहेंगे क्लीवर। आते हैं
बैटिंग ऑप्शंस पे। जब बैटिंग ऑप्शंस पे आए तो यहाँ पे हमें सबसे पहले गप्टिल और एलन, क्योंकि दोनों का गेम कवर एक्सीलेंट है, फॉर्म भी बढ़िया चल रही है, तो गप्टिल एलन की जोड़ी हमने ले ली। इसके साथ हमने स्टर्लिंग और टैक्टर की जोड़ी भी आयरलैंड से ले ली। स्टर्लिंग ने लास्ट मैच में बहुत अच्छा खेला और टैक्टर तो इंडिया सीरीज से ही अच्छी फॉर्म में है, तो नॉन ड्रॉपेबल प्लेयर है। एक विकेट कीपर, चार बैटिंग ऑप्शंस के साथ ही आपकी कॉम्बिनेशन बनता जा रहा है। ऑलराउंडर सेक्शन में कर्टिस कैम्पर को आप मिस नहीं कर सकते आयरलैंड से, तो वहीं पे माइकल ब्रेसवेल और मिचेल सेंटनर को मैं लेके जा रहा हूं न्यूजीलैंड से। दोनों स्पिन ऑप्शन है, अच्छे खासे रन बना विकेट ले सकते हैं, उसके अलावा रन भी दोनों ही अच्छे दे सकते हैं अपनी टीम को जरूरत पड़ने पर। हालांकि सेंटनर के बल्ले की जरूरत पड़ेगी, ऐसी संभावना बहुत कम है। तीन ऑलराउंडर, चार बैटिंग ऑप्शन, एक विकेट कीपर। इसके बाद तीन गेंदबाज जिसमें मैं लेके जा रहा हूं लॉकी फर्ग्यूसन को सबसे पहले, फिर उनके साथ दो प्राइमरी बॉलर आयरलैंड से मार्क अधेयर और क्रेग यंग। चाहे तो आप जोशुआ लिटिल भी ले सकते हैं इनकी जगह, लेकिन टी20 में क्रेग यंग ज्यादा एकॉम्प्लिश्ड प्लेयर हैं, इसलिए इनको लेके जा रहा हूं। कैप्टन और वाइस कैप्टनसी की बात जहां तक है तो कर्टिस कैंपर मेरे कैप्टन रहेंगे आयरलैंड के लिए, सबसे बढ़िया खेले वनडे सीरीज में और बहुत बढ़िया विकेट टेकिंग ऑप्शन है, रन भी बनाते हैं बल्ले से, तो ग्रेट चॉइस है। ब्रेसवेल मेरे वाइस कैप्टनसी ऑप्शन रहेंगे। आप चाहे तो गप्टिल और एलन की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि ब्रेसवेल का बल्ला कहां बोलेगा ये कह नहीं सकते। बैटिंग ऑर्डर यहां पे रिसफल हो सकता है, क्योंकि कोई भी प्लेयर यहां से लेके यहां तक कहीं भी खेल सकता है, इसलिए थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है। इसलिए अगर चाहे तो ब्रेसवेल की जगह वाइस कैप्टन चेंज कर सकते हैं, कैप्टन नहीं रहने दीजिए, अपनी स्क्रीन पर टीम देख लीजिए आपकी बन गई टीम, ठीक है। चलिए स्मॉल लीग से चलते हैं मिनी ग्रैंड लीग टीम की तरफ। पहला बदलाव क्लीवर की जगह टकर को लेकर आया मैं। बैटिंग ऑप्शंस में गप्टिल रहेंगे, इनकी जगह कोई बदलाव नहीं होगा। उसके बाद टैक्टर भी रहेंगे, इनकी जगह भी कोई बदलाव नहीं होगा। बदलाव कहां होगा, एलन और स्टर्लिंग में से एलन की जगह ग्लेन फिलिप्स। हालांकि फिलिप्स में बता दूं आप ज्यादा बड़ा दांव फिलिप्स पे मत खेलना, क्योंकि टी20 में नंबर 6 बैट्समैन के पास ज्यादा चांस होता नहीं खेलने का, और बॉलिंग चूंकि ऑप्शंस बहुत सारे हैं तो ग्लेन फिलिप्स एक या दो ओवर से ज्यादा डालेंगे नहीं, ऐसे में उतने इंपॉर्टेंट फिलिप्स नहीं रहेंगे, ठीक है। यहां से एक बैटिंग ऑप्शन कम करके मैं बॉलिंग में बढ़ा रहा हूं, इसलिए ऑलराउंडर फिर से तीन, और तीन कौन कौन, कर्टिस कैम्पर रहेंगे, ब्रेसवेल रहेंगे और सेंटनर की जगह नीसम आ जाएंगे। ऐसे आपके तीन ऑलराउंडर और तीन बैटिंग ऑप्शंस के साथ ये टीम बन रही है, ठीक है। एक विकेट कीपर आपका हो गया, ऐसे टीम बन रही है। चार बॉलर जिसमें फर्ग्यूसन भी रहेंगे, अधेयर भी रहेंगे, क्रेग यंग की जो जगह जोशुआ लिटिल को ला रहा हूं, और ब्लेयर टिकनर आ जाएंगे जो हमने एक बैट्समैन कम किया उनकी जगह, ठीक है। तो ब्लेयर टिकनर आ गए, ऐसे आपके चार बॉलिंग ऑप्शन, तीन ऑलराउंडर और तीन बैटर, एक विकेटकीपर का कॉम्बिनेशन बन गया। कैप्टन मार्टिन गुप्टिल इस टीम के, वनडे सीरीज में तीन में से दो में अच्छी पारियां खेली, एक में सेंचुरी भी लगाई। सेम केस हैरी टैक्टर का है, दो सेंचुरी जिनके नाम है तीन वनडे सीरीज में, तीन वनडे मैचेज में, इसलिए ये वाइस कैप्टन। आपकी स्क्रीन पर टीम जा रही है, आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए दो टीम होगी, तीसरी टीम की तरफ बढ़ते हैं ग्रैंड लीग की। विकेट कीपर क्लीवर की वापसी, टकर को एक टीम में रख लिया, इतना काफी है, इससे ज्यादा आप नहीं रखिए उनको। बैटिंग ऑप्शंस की बात करूं, थोड़ा सा रिस्क लिया है क्योंकि ग्रैंड लीग में बिना रिस्क के काम चलता नहीं है। ओपनिंग बल्वरीन, हालांकि गेम कवर एक्सीलेंट है, लेकिन थोड़ा सा हटके ऑप्शंस को चूज किया है। कप्तान बल्वरीन हो गए आपके, ठीक है। डैरल मिचेल बल्ले से रन और बॉल से विकेट भी दे सकते हैं, तो इसलिए ये भी चॉइस बढ़िया है। इनके साथ फिन एलन तीसरी चॉइस। तीन आपके बैटिंग ऑप्शंस के साथ जा रहा हूं मैं, एक विकेट कीपर, दो आपके हो गए ऑलराउंडर। यहां पे कर्टिस कैंपर फिर से, इनको तो ड्रॉप करना ही नहीं है आपको, ठीक है। यहां पे क्या किया कि ब्रेसवेल और सेंटनर, ब्रेसवेल और नीसम को ड्रॉप करके केवल सेंटनर को वापस लिया है मैं। दो आपके
ऑलराउंडर हो गए, तीन बैटिंग ऑप्शन और एक आपका हो गया विकेट कीपर। इट मीन्स आपके पास पांच ऑप्शन बचे बॉलिंग के लिए, जिसमें मैंने तीनों प्रीमियर बॉलर आपका आयरलैंड के लिए अदेर को लिया, यंग को लिया, लिटिल को लिया, इनके साथ फर्ग्यूसन और टेक्नर को भी रखा। आपने ये समझिए कि मेजोरिटी ऑफ बॉलिंग जो है वो कवर कर दी पावर प्ले की भी और डेथ की भी दोनों टीम से। ऐसे में ये टीम आपको अच्छी इनिंग और अच्छे पॉइंट्स देकर जा सकती है। कैप्टन लॉकी फर्ग्यूसन इस टीम के मल्टीपल विकेट्स का एक स्पेल आ सकता है इस मैच में, और वाइस कैप्टन मिचेल सैंटनर, ये भी दो से तीन विकेट और 20 करीब रन आपको देकर जा सकते हैं। अदर चॉइसेस में मार्क अदेर अच्छे वाइस कैप्टन बन जाएंगे, डैरल मिचेल भी एक अच्छी चॉइस हो सकते हैं, इनकी तरफ भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ग्रैंड लीग टीम आपकी स्क्रीन पर है, देखो वीडियो में टीम से रिलेटेड मेरी बात खत्म होती है। हमारी और आपकी मुलाकात का सिलसिला यही जारी रहेगा। बस आपको छोटा सा काम ये करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, नोटिफिकेशन बेल दबा के जाइए और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जिन मैचेस की मैं वीडियोस नहीं देता हूं वो मैचेस की टीम्स में टेलीग्राम पर सीधे दे देता हूं, तो इसलिए जुड़े रहिए। फिर इस वीडियो में इतना ही, फिलहाल इजाजत, टाटा बाय बाय, जय माता।